आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। आम आदमी पार्टी ने डोईवाला विधानसभा में दीपावली महापर्व के अवसर पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए नेताओं ने दीपक जलाए। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजू मौर्य केतन ने भाजपा पर आरोप लगाए और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस वर्ष कितने ही घरों के चिराग बुझ गए हैं। उससे किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से सैकड़ों किसान जो है शहीद हो गए। इस आंदोलन के दौरान हमने अपनी दीपावली का एक दिया उन शहीद किसानों को समर्पित किया है। आज हमने ये पर्व बनाया है एक दिया शहीद किसानों के नाम पर, और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये तीन काले कानून जो किसानों के हित में नहीं है इन्हें रद्द कर दें। किसान शहीद जो हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, यही हमारी केंद्र सरकार से मांग है। सैकड़ों किसानों के घरों में इस वर्ष दीपावली नहीं मनाई जा रही है। उन सभी अन्नदाता किसानों को दीप प्रज्वलित कर आम आदमी पार्टी दीपावली के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आज मोदी जी पहुंचे हैं उत्तराखंड, तो हम इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, उससे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हट छोड़िए और किसानों की बातों को मानकर तीनों काले कानून रद्द कर दीजिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि तीन कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों को दीपावली का तोहफा दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि तीनों काले कानून रद्द होना ही उन किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डोईवाला से आशीष यादव, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।